Hindi will be okay, or if you want English, no, I can do Hindi or Marathi, no? Hindi. Hindi, no? Hindi, yes. You do small kirtan, Maharaj? Hare Krishna. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ रथयात्रा महोत्सव की जय।
ओमज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सबका जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आपको इस महोत्सव में दिव्य आनंद दिव्य ज्ञान का अनुभव अवश्य होगा और आशा करते हैं कि आपके भक्ति के जीवन में आप इस उत्सव से प्रेरणा पाएंगे और इस मार्ग में मार्ग के ऊपर अच्छी तरह से आप चलते रहेंगे। यहाँ इस मंदिर का उद्देश्य है कि भगवान को भगवान का परिचय सबको दिलाना, भगवान का उपदेश उनका संदेश उनका मार्ग सबको दिखलाना ताकि हर एक व्यक्ति के जीवन में ये दिव्य आनंद का अनुभव हो। ये सब चीज़ें भगवान के भक्तों के संग में उपलब्ध होती है। हमारा जीवन एक विद्यार्थी के जीवन के समान है। जिस तरह विद्यार्थी पाठशाला में जाता है सारे साल भर में वो पढ़ाई करता है और साल के अंत में फिर
उसे परीक्षा में बैठना होता है। परीक्षा में यदि उसने अच्छे नंबर पाए, सफल होता है, तो अगली कक्षा में जाता है। यदि सफल नहीं होता है तो फिर अगली कक्षा में नहीं जा पाता है, उसी कक्षा में रहना पड़ता है। ठीक उसी तरह से यह मनुष्य जीवन हमारे पढ़ाई के लिए या तैयारी करने के लिए है। किस चीज़ की तैयारी के लिए? जो एक परीक्षा आने वाली है हम सबको, वो कौन सी परीक्षा है? मृत्यु की परीक्षा है। मृत्यु हर एक व्यक्ति को आता है और आएगा अवश्य। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसके लिए मृत्यु निश्चित है, और जिसके लिए जिसकी मृत्यु हुई है उसके लिए जन्म निश्चित है। तो हम सब ये जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं। पुनरपि जननम पुनरपि जन्मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। तो एक संत ने भगवान से प्रार्थना की है कि हे मुरारी, हे कृष्ण, ये संसार जो है जिसमें कि हमें बारंबार जन्म लेना पड़ता है, बारंबार मरना पड़ता है, ये बहुत ही कष्टप्रद है, बहुत कठिन है। इस जन्म मृत्यु रूपी संसारी चक्र में रहना, इसलिए कृपया इससे हमें मुक्त कर दीजिए। इस भयंकर जन्म मृत्यु रूपी संसार से हमारी रक्षा कीजिए। ऐसे एक संत ने प्रार्थना की है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारा जीवन कितना खतरों से भरा हुआ है। जब एक व्यक्ति एक ऐसे स्थान में होता है, वन में, जंगल में होता है, जिसमें आग लगी हुई है, और हर जगह जहाँ भी आदमी भागने का प्रयास करता है तो वहाँ आग दिखाई पड़ता है, और ऐसे लगता है कि जंगल में से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो बहुत विकट परिस्थिति है। महाभारत में ये प्रसंग आता है कि धृतराष्ट्र जो कौरवों के पिता थे, उनको उनके छोटे भाई विदुर उपदेश देते हैं। जब पांडवों का विजय होता है, कौरवों का संहार होता है, और युधिष्ठिर महाराज राजगद्दी पर बैठते हैं, तो धृतराष्ट्र फिर भी अपने राज सुख से आसक्त होकर राजमहल में ही रहते हैं। धृतराष्ट्र को उनके भाई विदुर उपदेश देते हैं, थोड़े कटु वचन बोलते हैं, कहते हैं कि आपका बुढ़ापा आ गया, देखो आप ठीक से चल भी नहीं सकते, आपका पीठ झुक गया, आपको एक छड़ी चाहिए चलने के लिए, दांत गिर गए हैं, पित्त आदि कफ पित्त आदि कंठ में भर जाता है, तरह तरह के शारीरिक मानसिक कष्ट आपको हो रहे हैं, तो कभी भगवान का शरण लोगे आप? और कितना बात को टालते रहोगे, ये सही नहीं है। इसी क्षण भगवान कृष्ण के शरण में रह जाओ और देरी नहीं करना। इस तरह से धृतराष्ट्र को विदुर उपदेश देते हैं। महाभारत में ये कथा है कि विदुर उनसे कहते हैं कि एक व्यक्ति था जो जंगल में जा रहा था, और जंगल में अंदर गया तो बहुत घना जंगल था, अंधकार, जगह जगह से जंगली प्राणियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, बहुत ही भयानक वातावरण था। और अचानक उसने देखा कि उनको बहुत लोग पीछा कर रहे हैं, कोई जानवर पीछा कर रहा है तो कोई और कर रहा है, और फिर उसने देखा कि एक महिला जो बहुत वृद्ध है और बहुत कुरूप है, वो बहुत बड़ी भी है, और वो उसका पीछा कर रही है, और वो एक माला, फूलों की माला लेकर उसके पास आ रही है। पहले तो बहुत वृद्धा थी वो, दूसरी बात बहुत बड़ी थी और बहुत कुरूप,
और फूलों की माला उसके गले में डाल के उससे विवाह करना चाहती थी। तो ये आदमी भागते 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 गया। जब भाग रहा था तो भागते भागते उसने देखा नहीं कि यहाँ एक कुआं है, तो वो कुएं में गिर गया। अब वो कुआं खाली था, उसमें पानी नहीं था। अब जब वो कुएं के अंदर गिर गया तो उसके पैर एक कुएं के कोने में रहने वाले लता से, जो ऊपर पेड़ से आ रहे थे, उसमें लपेट गया और इसके कारण वो अंदर पूरी तरह से गिरा नहीं नीचे तक। जब वो लता उसके पैर में लपेट गई तो वो बिल्कुल टांग रहा था उस कुएं के अंदर, लेकिन पैर ऊपर सर नीचे, ये उसकी दशा थी। और ऐसे अवस्था में उसने देखा कि कुएं के नीचे एक भयंकर सांप है, अजगर, और उस अजगर सांप ने अपना मुंह खोल के रखा है कि जैसे ही ये गिरे तो सीधे उस अजगर के मुंह के अंदर जाए। तो यह व्यक्ति तो बहुत घबरा गया। फिर इसने ऊपर की ओर देखा। जब ऊपर देखा तो क्या देखते हैं कि उधर थोड़े चूहे हैं, सफ़ेद रंग के चूहे हैं और काले रंग के चूहे हैं। कभी सफ़ेद रंग का चूहा लता को खाए जा रहा है, कभी काले रंग का चूहा वो लता को खा रहा है। जब लता को पूरी तरह से खाए जाएंगे ये चूहे तो क्या होगा, लता कट जाएगी। जब लता कट जाएगी तब क्या होगा, तब वो आदमी व्यक्ति वो व्यक्ति अंदर गिर जाएगा, सीधा उस सांप के मुंह में गिर जाएगा। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने देखा कि वहाँ बाहर एक ऐसा हाथी देख रहा है जिसके 12 पैर हैं और उसके 6 मुख हैं। ऐसे भयंकर हाथी को देखा ऊपर से, और साथ साथ में जैसे वो वहाँ पे पड़ा था ऐसे बुरी दशा में, उसको तरह तरह के मच्छर और कीटाणु सब काट रहे थे, बहुत कष्ट हो रहा था उसको। उधर अचानक उसने देखा कि जैसे ही वो टंग रहा था उल्टा, तो एक मधु शहद का बूंद कहीं ऊपर से आके उसके गाल पे गिरा। अब उस वृक्ष में जो कि जिसकी शाखा उस कुएं के ऊपर थी, उसमें मधुमक्खियों ने अपना घर बनाया था, तो उधर जो मधु था, जो शहद था, उसका एक बूंद गिर गया। बूंद गिर के दैव से ऐसे हुआ कि उसके मुख में गाल पे आके गिरा और वो बूंद जाते जाते उसके मुंह में आ गया अंदर। तो उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और जीभ के कोने से, अग्रभाग से जो अभी मधु का बूंद वहाँ आया था, उसको चाट लिया। और उसको चाट लिया तो बहुत स्वादिष्ट था, क्योंकि मधु या शहद तो बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत मीठा होता है। तो उसने त्याग लिया, उसने ऐसे इसको चख लिया, बहुत आनंद आया उसको और सोचा कि आह कितना अच्छा स्वाद है इसका। तो उसके बाद में वो राह देख रहा था कि कब दूसरा बूंद ऊपर से गिरेगा। तो ऐसे करते फिर से दूसरा बूंद गिरा तो अपने मुंह से, अपने गाल से ऊपर धीरे धीरे से आ रहा था। फिर से उसने अपने जीभ से उसको चख लिया। इस तरह से थोड़े थोड़े समय बाद एक एक बूंद गिरता था, और उस एक बूंद को चखने के लिए उसकी प्रतीक्षा करते हुए यह व्यक्ति इतना मग्न हो गया कि कब अगला बूंद गिरेगा शहद का, कि वो भूल गया कि उसकी कितनी खतरनाक अवस्था थी। ये चूहे काटे जा रहे हैं उसकी लता को, जिससे कि वो टंग रहा है। नीचे बड़ा अजगर सांप है जो उसको खा लेगा यदि वो गिर जाएगा तो। ऊपर से ये बहुत ही भयानक एक हाथी भी है जिसके 6 मुख हैं, 12 पैर हैं, इतने मच्छर आदि काट रहे हैं, इतने कष्ट हो रहे हैं। फिर भी आदमी विचार कर रहा था कि अगला बूंद शहद का कब आएगा। तो विदुर ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, आपकी दशा ठीक ऐसे है।
सारे यहाँ भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं इनकी भी दशा यही है। तो इसको फिर उन्होंने समझाया धृतराष्ट्र को कि इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा ये जंगल है अर्थात ये भौतिक सृष्टि, ये जगत जिसमें हम रहते हैं, ये एक बहुत भयानक जंगल के समान है। और जो आदमी इस जंगल में आया है वो है आत्मा, हम सब आत्मा है भगवद गीता के अनुसार। और हम जगह जगह जाके सुख का खोज कर रहे हैं, कहाँ से हमें सुख मिलेगा, हम यहाँ खोजते हैं वहाँ खोजते हैं, और इसलिए हमें अलग अलग शरीर धारण करने पड़ते हैं। परंतु हर एक शरीर में बुढ़ापा आता है, जन्म के बाद धीरे धीरे से यौवन की अवस्था आती है, युवा अवस्था के बाद आगे चलते चलते फिर एक न एक दिन बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापे में वृद्धावस्था में बहुत कष्ट होता है, और कौन चाहता है कि हमें बुढ़ापा आ जाए। हम सब चाहते हैं कि हमारी युवा अवस्था सदैव बनी रहे, क्योंकि युवा अवस्था में हमारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, हमारी बुद्धि स्मृति शक्ति तेज रहती है, हम खूब भोग कर सकते हैं, हम क्रियाशील रह सकते हैं, किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है। परंतु ऐसे नहीं है, युव अवस्था चली जाती है काल के प्रवाह में, धीरे 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 हर एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, जो कि जिस किसी को पसंद नहीं है बूढ़ा होना, परंतु ज़बरदस्ती होना पड़ता है। तो इस उपमा में ये वन भौतिक सृष्टि के समान है, और जो आदमी उसमें जा रहा है वो आत्मा है, और जो बूढ़ी महिला है जो फूलों की माला लेके उस आदमी का पीछा कर रही है, विवाह करना चाहती है उससे, वो है बुढ़ापा। बुढ़ापा या काल, समय हम सबका पीछा कर रहा है, कोई भी नहीं चाहता है कि बूढ़े हो जाए, लेकिन इस महिला से विवाह सभी को करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में हर एक व्यक्ति को बूढ़ा आज नहीं तो कल होना ही पड़ेगा। और बुढ़ापे में कितना कष्ट होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों। और फिर वो कुआं क्या है, वो कुआं है हमारा संसारी जीवन, विशेष करके हमारा पारिवारिक जीवन। इस पारिवारिक जीवन में बहुत सारे कष्ट होते हैं, हमें परिवार के भरण पोषण के लिए नौकरी व्यवसाय करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और सबके भरण पोषण के लिए भी कितने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, कितनी समस्याएं आती हैं, बच्चों को बड़ा करना, फिर स्वास्थ्य की समस्या, आर्थिक समस्या, तरह तरह की समस्या होती है। तो ये है, ये सारे प्राणी, ये सारे मच्छर आदि जो हमें समय समय पर काटते रहते हैं, हमसे कोई कटु वचन बोलता है, कोई हमारा अपमान करता है, कितना कष्ट होता है, हर दिन कोई ना कोई चीज कष्ट देती है हमें। और फिर ये काल बीतते जाता है, जो हाथी है वो क्या है, वो हाथी है काल। ये साल जो होता है वर्ष, उसके 12 महीने होते हैं, जो उसके 12 पैर हैं उस हाथी के, 6 ऋतु होते हैं जो कि उस हाथी के 6 मुख हैं, और नीचे काल सर्प है जो अपना मुंह खोल के बैठा है कि कब ये व्यक्ति गिरेगा। और जब वह व्यक्ति गिर जाएगा इसका मतलब है उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ये जो सफेद चूहे हैं और काले चूहे, ये कौन हैं जो उस लता को खाए जा रहे हैं, वो हैं दिन और रात। सफेद चूहा है दिन, काला चूहा है रात, और वो लता जिससे ऊपर, जिससे कि वो व्यक्ति टांग रहा है उस कुएं में, वो क्या है, वो हमारे संसार की आशाएं हैं। हम सब की कितनी आशाएं रहती हैं जीवन में कि हम बहुत कुछ सुख पाएंगे, हमारी योजनाएं रहती हैं, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बहुत सारी हमारी योजनाएं रहती हैं। परंतु ये योजनाएं एक दिन के बाद दूसरे दिन में क्या होता है, ये सब
एक के बाद एक कट जाते हैं, अंततः हमें गिर जाना पड़ता है। परंतु बीच में ये शहद का एक एक दो बूंद जो आते हैं वो क्या है, वो हमारे संसार का सुख है। संसार में हम भोग करते हैं, ये जो संसार का सुख है ये एक बूंद के समान है। तो हमारी परिस्थिति उस व्यक्ति के समान है जो कि उस लता से टंग रहा है, और वहां पे इतनी खतरनाक परिस्थिति में एक बूंद जब शहद का पड़ गिर जाता है तो वो व्यक्ति पूरी तरह से उस एक बूंद शहद के पीछे ही रहता है, सोचता है अगली बार कब गिरेगा वो बूंद। तो इसी तरह से ये कष्ट भरे संसार में रह के हम केवल क्षणिक सुख का भोग करना चाहते हैं, ये अगला सुख कब आएगा, अगला सुख कब आएगा। इस तरह से कष्टों के समुद्र में रहते हुए थोड़े थोड़े एक दो बूंद भौतिक सुख को हम चाहते हैं। परंतु ये क्या बुद्धिमानी की बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, यही संस्पर्श जा भोगा दुख योन एवते आद्यंत वंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हे अर्जुन, देखो ये संसार का सुख क्या है, जब हमारी इंद्रियां इंद्रियों के विषयों को अर्थात संसारी वस्तुओं को रूप गंध आदि इनसे स्पर्श करते हैं तो इसे हम भोग कहते हैं, इसको हम सुख मानते हैं। तो इंद्रियों के और इंद्रियों के विषयों के स्पर्श से जो उत्पन्न होने वाला अनुभव है ये भोग कहलाता है। कभी जब ये भोग मन को अच्छा लगता है तो उसको हम सुख कहते हैं, जब मन को अच्छा नहीं लगता है तो उसको दुख कहते हैं, कष्ट कहते हैं। इस तरह से कभी सुख तो कभी दुख, परंतु अधिक दुख और कभी कभी थोड़ा सा बूंद मात्र सुख किसी को मिल जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसे संसार के सुख में रमण नहीं करता है। क्यों नहीं रमण करता है? क्योंकि ऐसे सुख का ऐसी सुख की शुरुआत होती है और इसका अंत भी होता है। आदि अंतवंत है, इसकी शुरुआत होती है और इसका अंत भी होता है। और इतना ही नहीं, जितना हम भौतिक सुख प्राप्त करने का प्रयास करेंगे उतना ही दुख हमारे जीवन में बढ़ेगा। दुख योनिषु, ये जो संसार का सुख है ये दुख की योनि है। जिस प्रकार से बच्चा अपने माँ के गर्भ से जन्म लेता है उसी प्रकार से जब हम सुख भोगने का प्रयास करते हैं तो वो एक माँ के समान है जो जन्म देती है बच्चे को, और बच्चा कौन है, बच्चा है दुख। तो जितना हम संसार के सुख को भोगने का प्रयास करेंगे उतना ही हमारे जीवन में दुख आएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पायिनो नित्यः तां स्थिति क्षस्व भारत। कि जैसे इस जीवन में कभी गर्मी का मौसम आता है फिर चले जाता है, फिर ठंडी का मौसम आता है चले जाता है, गर्मी में कष्ट होता है, ठंडी में थोड़ा सुख मिलता है कम से कम कारवार में, दूसरी जगह में उल्टा है, हम रूस देश में जाएंगे तो ठंडी में कष्ट होता है गर्मी में सुख मिलता है। तो एक मौसम आता है चले जाता है, दूसरा मौसम आता है वो भी चले जाता है, फिर से और दूसरा मौसम आ जाता है। इस तरह से जैसे ये ऋतुएं हैं ये आते हैं जाते हैं, वैसे भी संसार में सुख दुख आते रहेंगे जाते रहेंगे हमारे भाग्य के अनुसार। हमारे पूर्व जन्मों में जो हमने कर्म किए हैं, अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उनका फल हमको भाग्य के रूप में प्रारब्ध के रूप में मिलता रहेगा। तो ये भाग्य क्या है, जो भी हमने पूर्व कर्म किए हैं उनका जो फल हमें इस जन्म में मिलेगा उसको हम प्रारब्ध या भाग्य कहते हैं। तो इनको हमें सहन करना चाहिए। ज्यादा सुख प्राप्त करने की चेष्टा करना, बहुत ज्यादा दुख का निवारण करने का प्रयास करना, इससे क्या होगा,
हमारा कर्म बंधन और बढ़ जाएगा, जिससे जन्म मृत्यु के चक्र में बंधन और भी बढ़ता रहेगा। तो ये न करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, संसार के सुख को और दुख को दोनों को सहन करना चाहिए। ताम स्थितिक्षस्व भारत, हे भारत, हे भरत वंशी अर्जुन, ये संसार के न केवल दुख को सहन करो परंतु सुख को भी सहन करो। अभी हमारे मन में प्रश्न आएगा कि दुख को सहन करना हम समझ सकते हैं, परंतु सुख को कैसे समझ सकते हैं, कैसे सहन करना चाहिए। हम देखते हैं कि जब बहुत ही अच्छी खबर मिलती है वो भी सहन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे भी कभी कभी होता है कि किसी व्यक्ति को लॉटरी टिकट मिल जाता है, जीत जाता है, और वो इतना खुश हो जाता है कि हृदय का दौरा आके वो मर जाता है। इतना सुख आ गया उसके जीवन में कि उसको सहन नहीं कर सका। तो समत्वम योगम उच्यते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योग शब्द की परिभाषा क्या है कि सुख में और दुख में समभाव रहना। जब सुख आता है तो एकदम छलांग छलांग मार के खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि बहुत ही शीघ्र दुख भी आएगा। दुख भी दरवाजे में खड़ा हुआ है और बिना निमंत्रण दिए वो भी हमारे जीवन में आएगा और हमें बहुत कष्ट देगा। इसलिए सुख के समय ज़्यादा आनंदित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत कम समय के लिए सुख रहेगा। ये सुख क्षणभंगुर है, क्षणिक है, और शीघ्र ही दुख भी आएगा। और जब दुख आएगा तो उस समय भी ज़्यादा उदास नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे बिन बुलाए जीवन में दुख आया और ये दुख अपने आप चले भी जाएगा और फिर से कोई सुख चले आएगा, तो ये दुख सुख ऐसे चलता रहेगा। परंतु प्रमुख पहचान ये संसार की क्या है, दुख का सागर है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि ये भौतिक संसार है अर्जुन, दुखों का सागर है। जब हम समुद्र में जाते हैं तो हर जगह पानी ही पानी दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये पानी का समुद्र है, इसलिए सब जगह पानी ही पानी है। तो ठीक उस तरह ये संसार है भगवद गीता के अनुसार दुखों का सागर है। दुखों के सागर में सब जगह हमें केवल दुख ही दुख दिखाई पड़ेंगे। सब जगह हम देखते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह सकता है कि मैं सुखी हूं। तो सुख हमें वास्तव में चाहिए, सच्चा आनंद हमें चाहिए, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो संसार के सही रूप को पहचानना चाहिए। ये सही दुख सुख क्या है इसको जान लेना चाहिए, और इस खतरनाक भौतिक संसार में हमारी कितनी बुरी परिस्थिति है इसको जान लेना चाहिए। यदि इन दो चीजों को हम नहीं जानेंगे तो आगे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का उत्साह हमारे अंदर नहीं रहेगा। तो इतना परंतु काफी नहीं है, इसके बाद हमें चाहिए कि और आगे क्या करें। ठीक है, ये भौतिक संसार जो है ये दुखों का सागर है, यहां सभी लोग दुखी हैं, एक के बाद एक कष्ट जीवन में आएंगे, और यहां संसार के सुख में रमण नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये समझ गए, और आगे क्या करना चाहिए? ये संसार से कैसे सदैव की मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं हम, सच्चे आनंद की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं हम, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे जीवन में पूछने चाहिए हमें। अथात ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत सूत्र में कहा गया है कि ये संसार है क्या, भगवान है क्या, वो कौन है, और वो भगवान की प्राप्ति हमें करनी चाहिए क्या, क्यों करनी चाहिए, और कैसे करनी चाहिए। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए ही भगवान ने हमें ये मूल्यवान मनुष्य जन्म दिया है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी।
ये भौतिक जीवन, ये मनुष्य जीवन केवल भोग करने के लिए नहीं बनाया गया है। यह किस लिए बनाया गया है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व के बारे में, सत्य के बारे में, भगवान के बारे में जिज्ञासा करने के लिए बनाया गया है। तो मनुष्य जीवन ही ऐसा एक जीवन है जिसमें हम ये सारे प्रश्न पूछ सकते हैं, भगवान कौन है, सच्चा सुख क्या है, पशु जीवन में, पक्षी जीवन में ये सारे प्रश्न पूछना संभव नहीं है। तो भक्तों के संग में आके हमें आगे बढ़ना चाहिए इस भक्ति के रास्ते में। समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण करना यही एकमात्र जीवन का अंतिम मार्ग है, तभी हम सच्चे आनंद की प्राप्ति करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे जान लेता है तत्वतः है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। कि हे अर्जुन, जो तत्वतः मेरे कर्म और मेरे जन्म को जान लेता है, वो समझता है कि ये दिव्य है, तो उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है मृत्यु के बाद। इसलिए शीघ्रातिशीघ्र हमें भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के रास्ते में चलना चाहिए और देरी नहीं करनी चाहिए, बात को टालना नहीं चाहिए। प्रवचन समाप्त करने के पहले अंत में एक छोटी सी और कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि एक बार एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कैलाश, और ये कैलाश एक बहुत धनी व्यापारी था। तो एक दिन भगवान के महान भक्त नारद उनके पास आए और उनसे कहा कि अरे कैलाश, तुम इतने अपने संसार में लगे हुए हो, तुम भगवान की परवाह नहीं करते, भगवान के लिए समय नहीं निकालते, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान कृष्ण की भक्ति करना, तो चलो मेरे साथ, हम दोनों मिलके भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो कैलाश ने कहा, मुनिवर आपने बहुत कृपा की है मेरे मुझ जैसे व्यक्ति के घर में आके मुझसे मुझे उपदेश करने के लिए, मैं अवश्य आपके साथ आऊँगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, तो उनका देखभाल कौन करेगा, तो जब ये बड़े हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, तब मैं आपके साथ में आऊँगा। तो नारद मुनि चले गए। कई वर्षों के बाद वो वापस आए। अरे कैलाश, मैं फिर से आ गया, अभी तुम्हारे बच्चे बहुत बड़े हो गए, अभी वो सब अपना अपना जीवन संभाल रहे हैं, तो अभी तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो उस समय कैलाश ने कहा, अरे देखो मुनिवर, आप इतने कृपालु हैं, फिर भी आप मेरे पास आ रहे हैं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, परंतु मेरी समस्या देख रहे ना, अभी मेरे बच्चे बड़े तो हो गए, परंतु उनके बच्चे कितने छोटे हैं अभी, अब ये मेरे बच्चों को पता नहीं कि उनके बच्चों का देखभाल कैसे करना चाहिए, और इसके अतिरिक्त मेरा जो व्यवसाय है, इतना सब मैंने कमाया है, अभी इसको देखभाल करने की परिपक्वता इनमें नहीं आई है अभी तक, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मुझे और थोड़ा समय चाहिए। इस तरह से बार बार नारद मुनि आते गए और हर बात कोई ना कोई कारण देकर कैलाश टाल देते थे कि मैं भक्ति में नहीं आ सकता। फिर एक बार जब वो आए नारद जी, तो उन्होंने पूछा कि अरे कैलाश कहाँ गए? तो किसी ने, उनके बच्चे थे वहाँ, उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी का देहांत हो गया। अरे रे रे, तो नारद मुनि को बहुत दुख हुआ कि ये कैसे, क्या हुआ ये, बहुत बुरा हाल हो गया। तो उस समय वहाँ पे नारद मुनि जब जा रहे थे, तो अचानक उन्होंने सुना, एक आवाज़ सुनी उन्होंने, अरे नारद मुनि, नारद मुनि। तो नारद जी ने देखा, अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, किसी व्यक्ति को तो हमने देखा नहीं। तो
तो नारद जी ने उधर उधर देखा तो देखा कि अरे यहाँ तो एक कोई सांप है। तो सांप को देखकर अरे तुम बात कर रहे हो, तुम सांप कैसे बने और तुम कौन हो? तो बोले मैं कैलाश हूं। अरे कैलाश तुम सांप बन गए? तुम तो इतने पहले अमीर व्यक्ति थे, इतना सब कुछ था तुम्हारा, यह सांप क्यों कैसे बन गए तुम? बोलो देखो ऐसे है कि मेरे इतनी सारी खेत है, सब है, और ये बच्चे मेरा देखभाल नहीं करते हैं यहाँ खेत का, इसलिए मैंने सोचा मैं सांप बन के यहाँ आऊँ तो जो भी यहाँ चोरी वोरी करने आएंगे उनको जाके डस सकता हूँ। तो जितना जीवन भर परिश्रम करके मैंने जो धन इकट्ठा किया था अभी उसकी रक्षा मैं कर रहा हूँ। तो नारद जी ने सोचा कि क्या कितनी बुरी दशा है इसकी। फिर नारद जी ने जाके उनके बच्चों को बताया कि देखो देखो आपके खेत में यहाँ पे एक सांप आया है। तो वो सारे बच्चे आए लाठी लेकर उस सांप को मार दिया। और फिर नारद जी की कृपा से उन्होंने उसको कहा कि अभी तो कम से कम तुम्हें मेरे साथ में चलना चाहिए। तो ये कैलाश की कहानी किसकी कहानी है? ये हम सब की कहानी है। अनादि काल से हमें कितने सारे जन्म मिले हैं, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद तीसरा जन्म, ऐसे अनंत कोटि जन्मों से हम गुजरे हैं। अभी हमें मनुष्य जन्म मिला है, न जाने कितने सारे मनुष्य जन्म हमें आगे भी मिले, परंतु हर एक मनुष्य जन्म में हमने भगवान की भक्ति के मार्ग में आने से कोई ना कोई कारण ढूंढा इस बात को टालने के लिए। परंतु मनुष्य जीवन को हमें यदि सफल बनाना है तो हमें भगवान की भक्ति को तुरंत स्वीकार करना चाहिए। और फिर इसकी परीक्षा कब होगी? जैसे प्रवचन के पहले हमने कहा, शुरुआत में हमने कहा कि मृत्यु ये परीक्षा होगी। भगवान का भक्ति कर की भक्ति करते करते जब मृत्यु का समय आएगा, यदि हमने भगवान का स्मरण किया तो फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्यत्र संशयः, कि हे अर्जुन अंतकाल में मृत्यु के घड़ी में जो मेरा स्मरण करेगा वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाके मेरे धाम को वैकुंठ जगत को प्राप्त हो जाएगा। परंतु यदि हमने भगवान का स्मरण नहीं किया, हमने जीवन भर या कम से कम थोड़े समय तक तो तीव्रता से अभ्यास नहीं किया भगवान की सेवा करने का, भगवान के नामों का जप और कीर्तन करने का, भगवान की कथाओं को सुनने का, भगवान का स्मरण करने का, तो फिर अंतकाल में मृत्यु के समय जो बहुत कष्टप्रद होता है तो हम कैसे भगवान का स्मरण कर पाएंगे? ये संभव नहीं है। तो जिस चीज़ को हमने किया है जीवन भर उसी चीज़ को हम याद करेंगे मृत्यु के समय, और वैसे ही हमें एक कोई दशा मिलेगी। भगवान कृष्ण कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, कि हे अर्जुन जो चेतना व्यक्ति की मृत्यु के समय रहती है वैसे ही उस विचार के अनुसार उसे पुनर्जन्म मिलेगा। एक उपयुक्त शरीर, एक उपयुक्त योनि उसको मिलेगी, एक उपयुक्त परिस्थिति में वो जन्म लेगा, उसका सुख और दुख फिर उसके पूर्व जन्मों के प्रारब्ध उसके कर्मों के ऊपर आधारित होगा। तो इसलिए हमारे जीवन की परीक्षा मृत्यु है। मृत्यु की तैयारी हम सबको करनी चाहिए, डर डर के नहीं परंतु उत्साह से, भक्ति की भावना से। और जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे हम निर्भय हो जाएंगे, फिर किसी भी परिस्थिति का सामना हम कर पाएंगे, क्योंकि समत्वम योगम उच्यते, हमारा चित्त उस समय समभाव का रहेगा। भले वो मृत्यु का भय हो या और किसी चीज का भय हो, इससे हम प्रभावित नहीं होंगे। अभय होके हम मृत्यु का सामना कर पाएंगे और जीते जी भी जितने सारी कठिनाइयां जीवन में आएंगे उनका भी सामना हम भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए कर पाएंगे, जैसे कि प्रहलाद ने किया था जब एक के बाद उनके जीवन में कठिनाइयां आईं।
तो इस कलयुग में भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना ये सबसे महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। कलि संतरण उपनिषद में ये हरे कृष्ण महामंत्र का उल्लेख है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का जप और कीर्तन सतत करने से इस कलयुग, इस भयंकर कलयुग को हम पार कर पाएंगे और भगवान कृष्ण के धाम को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो हम आपको हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सब आपका मूल्यवान समय निकालकर यहाँ पर आए और इतने श्रद्धा से और शांति से आपने इस प्रवचन को सुना। आशा करते हैं कि यहाँ इस उत्सव में और भी जितने और स्थान हैं, प्रदर्शनी आदि बहुत सी चीज़ें हैं, उनको भी आप देखेंगे, भगवान का दर्शन भी करेंगे मंदिर में और प्रसाद पा के ही आप जाएंगे। तो यहाँ कारवार के भक्तों ने बहुत सेवा की है, कम समय में इतना सुंदर उत्सव का आयोजन उन्होंने किया है। तो जितने भी हमारे कारवार के भक्त हैं उन सबको हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। तरह तरह से किसी ने लक्ष्मी रूप में किया, किसी ने और भी आयोजन व्यवस्थापन के बनाए रखने के रूप में किया है। तो जो भी सेवा आप सब ने की है आपको हार्दिक धन्यवाद। और आप में से जो यहाँ बार बार नहीं आते हैं, आपसे निवेदन है कि यहाँ पर आते रहिए और आपका मनुष्य जीवन सफल बनाइए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों से अनुरोध है बहुत जोर तालियों के साथ और हरिबोल के साथ महाराज को धन्यवाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अभी